तो ये देखें जी विद इन 15 मिनट हमें कितना इफेक्टिव रिजल्ट्स मिला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए इफेक्टिव सी होम रेमेडी, जिससे आपके हाथों पाँव की टैनिंग और ब्लैकनेस बिल्कुल रिमूव होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ किया है जो कि हमारी स्किन एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हाथों पाँव को चमकाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारी रेमेडी का फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने एक नीट क्लीन सा बाउल लेना है, इसके अंदर आपने डालना है जी कोई सा भी शैम्पू, आपके पास किसी भी ब्रांड का शैम्पू हो आप इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच के करीब जो है शैम्पू लेना है। शैम्पू जो है हमारी जिल्द के ऊपर से जितनी भी डर्ट होती है उसको रिमूव करता है, इसी के साथ साथ हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारी जिल्द को चमकदार और शाइनी बनाता है। ये जो है मैनीक्योर और पेडीक्योर का पहला स्टेप है। तो आपने क्या जी एक बाउल में एक चम्मच के करीब ले लेना है शैम्पू। शैम्पू ऐड करने के बाद अब आपने इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि हमारी स्किन एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है जी हमारे पास एक चम्मच के करीब जो है हमने इसमें ऐड करना है जी साल्ट को, मतलब के नमक। ये देखें जी ये हमारे पास एक चम्मच के करीब नमक, तो आपने इसमें एक चम्मच के करीब जो है नमक ऐड कर देना है। अच्छे से नमक ऐड करने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है। इसके बाद जो हम इसमें तीसरी चीज़ डालने लगे हैं वो है जी हमारे पास मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है हमारी स्किन एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जितनी भी पुरानी डर्ट टैनिंग वगैरह हमारे जिल्द पर हो चुकी है, क्योंकि गर्मियों की वजह से जो हमारे हाथ पांव हैं वो बिल्कुल ही टैनिंग से भरे पड़े हैं और इसी के साथ साथ हमारी जिल्द जो है वो बहुत खुरदरी हो चुकी है। तो आपने क्या करना है इसके बाद एक चम्मच के करीब इसमें ऐड करना है मीठा सोडा। ये है जी हमारे पास हाफ चम्मच के करीब मीठा सोडा। सिंपली आपने इन दोनों चीज़ों में इसको ऐड कर देना है। ये जो हम जो पेस्ट बनाने वाले हैं ये हमारा मैनीक्योर और पेडीक्योर का बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करेगा, हमारे हाथों पांव की जिल्द को निखारेगा, उसको गोरा बनाएगा एक ही बार के इस्तेमाल से। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अब जो इसके बाद हम इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं वो तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो है हमारे पास जी ये हमारे पास लेमन। लेमन जो है हमारी स्किन के ऊपर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, इसमें ब्लीच के इफेक्ट होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर से गंदगी डर्ट वगैरह पोल्यूशन जितनी भी हो चुकी है, टैनिंग जितनी भी हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाँव के हवाले से उसको बिल्कुल ही साफ शफाफ कर देता है। आप इसको हफ्ते में एक से दो बार अप्लाई करेंगे तो आपको इतना बेटर रिजल्ट्स मिलेगा कि आप जो है अपनी मनचाही चप्पल जो है वो पहन सकते हैं। सिंपली आपने लीमू को जो है हाफ कट करना है और इसका जो जूस है वो सिंपली इसमें ऐड कर देना है। जैसे ही आप जूस ऐड करेंगे तो आपको एक जो है वो रिएक्शन शो होगा, ये देखिएगा इस तरीके से जब हम इसका जूस ऐड करेंगे तो ये देखें आपके पास इस तरीके का जो है वो रिएक्शन होगा। इससे क्या होगा जी हमारा जो मीठा सोडा है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जो इसकी एक्टिवेशन है वही हमारी स्किन की एक्सफोलिएशन करेगी, हमारी स्किन के ऊपर से डर्ट को रिमूव करेगी। तो आपने क्या करना है इस लेमन के छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसी से जो है हम अपने हाथों पाँव की स्क्रबिंग करेंगे। विद इन 15 मिनट्स आपको रिजल्ट ऑन द स्क्रीन दिखाऊंगी, वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है। ये देखें जी इस तरीके से जी लेमन को ऐड करने के बाद आपने जी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अब जो ये आपके पास एक पेस्ट बन गया है क्रीमी टाइप का, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन एक्सफोलिएशन के लिए, आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, आपकी स्किन जो है आपकी जो स्किन एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पेस्ट आपके हाथों पाँव को गोरा चिट्टा करने वाला है, जितनी भी पुरानी डर्ट मैल कुचैल गंदगी वगैरह है सब कुछ रिमूव हो जाएगा जस्ट इस पेस्ट को अप्लाई करने से। तो चलिए इसको अपने पाँव पर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट आपको मैं ऑन द स्क्रीन दिखाऊंगी कि कितना अमेजिंग रिजल्ट मिला है हमें इस होम रेमेडी का। तो सिंपली आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है वही लेमन का छिलका लेना है, इसको इस मिक्सचर में डिप करना है और अपने हाथों पाँव पर जो है इसको स्क्रबिंग स्टार्ट कर देनी है। जितना अच्छा आप स्क्रब करेंगे आपको उतना ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपकी टैनिंग है, डार्क नुकल्स हैं, आपने इस लेमन के छिलके को वहाँ वहाँ पर अप्लाई करना है और इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है खुश्क होने के लिए। देन उसके बाद आपने इसको वॉश करना है और आप इसके रिजल्ट देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपको पहली ही बार में कितने साफ शफाफ पाँव जो हैं वो बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो देखिए जी इस तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है अच्छे तरीके से और इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए।
और रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।